HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हम इस वक्त हैं कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी के रेवाड़ी निवास स्थान पे और हमारे साथ लक्ष्मण सिंह यादव जी भी हैं। चुनाव जीतने के बाद पहली बार HR News के कैमरे पे आ गए और उनके निवास स्थान पे दिखाई देखिए बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आपको बार बार HR News ये बता रहा है लक्ष्मण सिंह यादव जी ने भाजपा में बड़ा संघर्ष किया और इस बार पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको टिकट देकर के जो मौका दिया है और जीत करके लक्ष्मण सिंह यादव जी ने जो सीट कहीं ना कहीं भाजपा की झोली में डाली है उसको लेकर के लोगों में बेहद उत्साहपन है और तमाम लोग जो बधाई देने के लिए आ रहे हैं, कोई मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है, कोई ड्राई फ्रूट लेके आ रहा है, कोई फूल लेके आ रहे हैं, तो तमाम जो स्वागत किए जा रहे हैं। और अब एक कहीं ना कहीं चीज निकल के आ रही है कि किसी भी तरीके से लक्ष्मण सिंह यादव जी को मंत्रिमंडल में जगह मिले, कैबिनेट मंत्री का दर्जा कहीं ना कहीं मिले, उसको लेकर के चर्चा यहाँ गर्म है। सीधा एक बार लक्ष्मण सिंह यादव जी से भी बात करेंगे, क्योंकि HR News चुनाव से पहले लगातार चुनाव को लेकर के बात करता रहा और अब चुनाव जीतने के बाद काफी फोन के बाद कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह यादव जी ने हमें टाइम दिया है, तो जाहिर है जब विधायक बन जाते हैं तो आसानी से टाइम नहीं मिल पाता और अब स्थिति कुछ और है, तब स्थिति कुछ होती। सीधा भी एक बार बात करेंगे, आज HR News ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया लक्ष्मण सिंह यादव जी को निवास स्थान पे, एक बार सीधा चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी क्या कहेंगे, पहले तो HR News आपको बधाई देगा विधायक बनने पर। धन्यवाद HR News का। अब आप काफी हमने फोन किए उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा नंबर आया, क्या पहली प्राथमिकता विधायक बनने के बाद कोसली के लिए? प्राथमिकताएं तो जो पिछले 5 साल से जो पेंडिंग काम थे उनको पहले पूरा करेंगे, दूसरा मूलभूत सुविधाओं पर विशेष का ध्यान देंगे, तीसरा चिकित्सा शिक्षा जो भी है उन सब मुद्दों पे और आगे का डेवलपमेंट कराने का प्रयास। तमाम लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, सबकी निगाहें कहीं ना कहीं टिकी हुई है कि इस बार लक्ष्मण जी को मंत्रिमंडल में जगह मिले, क्योंकि आप पार्टी के बहुत पुराने हैं, पार्टी ने जिस तरीके से टिकट दे करके, देखिए आदमी का स्वभाव है जब अपना आदमी को सभी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो ये तो इनकी जो स्वभाव है कि भाई सब लोग अपने आदमी को आगे बढ़ाएं और इनका मानस भी इस तरह का है और ये जो है मेरे को तो संगठन ने जैसे अचानक टिकट दी है वैसे ही संगठन का ही काम है वो मुझे कहाँ तक जिम्मेवारी देना चाहती है। HR News से जब आप बात कर रहे थे टिकट वितरण से पहले आपने एक सवाल किया था कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है उनको पार्टी कहीं ना कहीं मौका दे, और शायद आपकी वो बात सुनी गई। आपने काफी खून पसीना बहाया, कोसले का कार्यालय HR News ने दिखाया, तमाम मैसेज आपके कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से दिखाए और एक मैसेज गया, आपको टिकट दी, लगता है कर्ज पार्टी ने अदा कर दिया, आपको खून पसीने की कीमत चुकता। देखिए हमारे संगठन में खून पसीना तो सभी बहाते हैं, ऐसा नहीं मैंने अकेले न मंगवाया, मेरे से भी सीनियर लोग पार्टी में थे और ये अलग बात है कि अब पार्टी को किसी न किसी एक को ही मौका देना था और उसमें कहीं से ना कहीं से ये अवसर मुझे मिल गया, मेरे से भी काबिल लोग थे ऐसा नहीं है और मुझे जो अवसर पार्टी ने दिया है निश्चित तौर पे इस अवसर को पार्टी पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जो क्षेत्र के लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इतना भारी आशीर्वाद दिया है, आपने देखा होगा हरियाणा में भाजपा में तीसरे नंबर के मार्जिन से कोसली विधानसभा सीट जीत के आई तो लोगों का लाड प्यार दुलार इतना मिला। अब लोगों ने चुनाव लड़ा मेरी बजाय, मैं तो केवल निमित्त मात्र था लेकिन लोगों ने इतनी मेहनत करके और इतने भारी मतों से 39,000 के डिफरेंस से जिताने का काम किया तो उम्मीदें भी लोगों की जितना लाड प्यार दुलार बरसाया है तो लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा है। नहीं आपने जैसे टिकट दिया एक मैसेज गया कार्यकर्ताओं में कि कहीं ना कहीं पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता, लगता है पूरा मैसेज गया ही? बिल्कुल गया और इससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में विश्वास जगा है, अगर पार्टी में संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कभी अनदेखी नहीं होती, ये अलग बात है देर सवेर हो जाती है बाकी उनको पार्टी संगठन देखता। अब दूसरा एक और देखिए, जिस तरीके से आपको सबसे ज्यादा भारी बहुमत से जिताया, तीसरे नंबर पे आप स्वयं बता रहे हैं,
अभी कहीं ना कहीं सपने लोगों के दिमाग में है कि लक्ष्मण सिंह यादव जी को मंत्रिमंडल में जगह मिले, और सिर्फ दो चीजें कवर होती है कि आपका रोहतक क्षेत्र भी कवर होता है, क्योंकि रोहतक में कौशली आता है और रेवाड़ी भी आपका कवर होता है। क्या लगता है, सोचना चाहिए पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं प्राथमिकता लक्ष्मण सिंह यादव जी को मिलनी चाहिए? जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह से पार्टी ने मुझे आशीर्वाद टिकट दे दिया है, ठीक उसी तरह से संगठन का ये काम है, वो किसको क्या देता है। और आपकी बात भी अपनी जगह सही है कि रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र में 9 सीट आती है, जिसमें से एक सीट कौशली जीती है, और कौशली की वजह से ही 10 की 10 सीटें जो लोकसभा की जीती, उसमें कौशली का अहम योगदान है। इससे तो ये साफ जाहिर है कि आज कौशली ने ही बड़े बड़े कांग्रेस धुरंधरों को लुटाने का काम किया है। और ये भी सही बात है कि कौशली भाजपा में है, पिछले उदाहरण आप उठा के देख लें और ये दोनों चुनाव उठा के देख लें, अब कौशली भाजपा में है, इसलिए उन्होंने इतना भारी मतों से मुझे आशीर्वाद दिया है। और मेरिट के हिसाब से भी लोगों ने जो मेरिट बनाने का काम किया है, क्योंकि मैं तो अधना से कार्य करता था, उसके बावजूद भी लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करके, और आपने देखा होगा कि हमारा नारा जैसे 75 पार का था, ठीक उसी तरह से 75,000 पार कौशली में भी नारा था, 75,000 से ज़्यादा से जिताए। लेकिन इस बार हरियाणा में कुछ रुझान कम वोट पोल का हुआ, इसलिए लोकसभा से हमारी 40,000 वोट भी कम पोल हुई, वरना तो जोड़ के देखेंगे तो इस बार कौशली से 80,000 के मार्जिन से, क्योंकि दूसरी पार्टियों के लोग तो वोट पोल करके, लेकिन हमारे वालों ने ये सोचा अब जीते तो पड़े ही हैं, तो इसलिए हो सकता है नेग्लिजेंसी रही हो। लेकिन ये जरूर कहूँगा कौशली विधानसभा भाजपा में है, भाजपा में, यही वजह 75 पार का आपका नारा जो कहीं ना कहीं धराशायी हुआ, 40 पे अटका दिया, ये भी एक लगता है पार्टी के लिए बड़ा सबक या चुनौती है कि जिस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी कर रही थी, कहीं ना कहीं उसका नुकसान था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था इसमें तो, क्योंकि जीतने वाले ज्यादातर लोग हमारे ही थे, आज भी हैं और पहले भी थे, आपने देखा कि इंडिपेंडेंट जितने जीत के आए वो मेरी पार्टी के लोग थे। दूसरा, कहीं ना कहीं जनता ने भी ये समझा होगा कि भाई अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, हो सकता है उसने उस गति से हमें आशीर्वाद। टिकट वितरण का भी मानते हैं, टिकट वितरण में जो रेवाड़ी के टिकट को देखिए जिस तरीके से विरोध हुआ लगातार, बावल में आपके जो टिकट वितरण को लेकर बनवारी का विरोध हुआ था, नहीं लगता वो कहीं ना कहीं नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को हुआ, पूरे हरियाणा में जो मैसेज थी? विरोध तो जब पार्टी में टिकटार्थी इतने हों तो ये स्वाभाविक है, होता ही है विरोध, कोई अंडरग्राउंड होता है, कोई ओपनली खुल के होता है, लेकिन टिकट तो एक ही है, एक कोई मिलनी थी, ये तो त्याग की भावना होनी चाहिए। जैसे 2014 में विक्रम जी को एक महीने पहले आए टिकट मिली, हम पहले दिन से साथ थे, तो कुछ त्यागना भी पड़ता है कार्यकर्ताओं को। विरोध तो आपका कौशली में भी हुआ अंदर खाते, जिस तरीके की जानकारी मिली है, चाहे जिनको टिकट कटी है उन लोगों ने अंदर खाते किया हो, कुछ ना कुछ तो आपके साथ भी किए। मेरे साथ तो जनता जनार्दन थी और सभी नेताओं ने मेरा सहयोग करा, तभी तो इतने बड़े मार्जिन से मैं जीत के आया। ये तो ठीक है कि रूमर चलती रहती है चुनाव में इस तरह का बर्ताव सभी लोग करते हैं, अपोजिशन वाले भी इस तरह का छोड़ते होंगे बातें, लेकिन मेरी तो सबने बदल दी। चलिए अब आखिरी सवाल आपसे करते हैं, अगर मंत्रिमंडल में आपको जगह मिले क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, कौन सा विभाग आप चूज करेंगे, आपका मन किस पे है कि सबसे ज्यादा एक बार लक्ष्मण सिंह यादव जी कहेंगे? देखिए, मेरे संगठन को हर व्यक्ति के बारे में पता है, कहाँ वो कैपेबल है, कहाँ उसका काम वो अच्छे तरह से कर सकता है, तो इस संगठन ने देखना है। जो लोग आए हुए हैं बधाई देने के लिए, एक बार उनसे पूछ लेते हैं जनाब क्या कहेंगे, कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए इनको? हकीकत में तो ऐसा महसूस होता है कि प्रधान जी आध्यात्मिक शिक्षा के तौर पर काफी हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इनको शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा मंत्री बननी चाहिए। क्या कहेंगे, क्या मिलना चाहिए? हम तो गृह मंत्री बनाना चाह रहे हैं, तो बड़े गृह मंत्री बन जाए तो बड़ी खुशी की बात है, योग्य भी है, अनुभव इनके लाइफ का बहुत है। बाबा क्या कहोगे आप, बधाई लेने आए हो? मैं चाहता हूँ गृह मंत्री मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, हमारा इलाका उसके बाद कृषि उसमें आता है, अगर कृषि से संबंधित अगर महकमा इनको मिल जाए पोर्टफोलियो तो और भी अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे?
शिक्षा मंत्री के बारे में हमारे सुझाव, साहब शिक्षा से जुड़े हुए हैं इसलिए इनको शिक्षा विभाग दिया जाए तो उचित रहेगा। देखिए जी, तमाम जो लोग बैठे हैं उनमें दो चीजें निकल के आई है, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री कार्यकर्ता के रूप में, सीधा सीधा कभी मांग नहीं की पार्टी से, यही एक कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में रहूंगा, जिसका फल कहीं ना कहीं पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में लखनऊ सिंह यादव जी को टिकट देकर के दिया और विधायक भी बने। अब देखने वाली बात ये मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए, जो मंत्रिमंडल में जगह मिले उसके लिए पार्टी क्या कुछ करती है। मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।